अस्सलाम वालेकुम। तो क्या सब भाइयों का ठीक है? तो यार हम आज आए थे मशीन सही करने, ये एक्सीवेटर, और मैं फारग काम करके थोड़ा सा फारग हुए इस मशीन का। ये जो मैं जिधर खड़ा हूँ ना, ये सहार स्टील मिल है, सहार स्टील इंडस्ट्री ये लिखा हुआ है ना, सहार स्टील। एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये जो इंडस्ट्री है ना, ये काफ़ी 3-4 साल से ना बंद पड़ी हुई थी, अभी दोबारा से स्टार्ट हुई है। ये जो एक्सीवेटर खड़े हुए ना, ये सभी ठीक होने वाले। इसमें एक हमने ये वाला ठीक किया है, इसके ऊपर ना नंबर लिखे हुए हैं 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लिखे हुए हैं। तो इसमें दो भी था, दो हमने ठीक करके भेज दिया और 4 नंबर भी ठीक कर दिया, और अब ये 6 नंबर ठीक कर रहे हैं। तो वैसे दिल किया वीडियो बनाने का, मैं अगर आपको बता भी देता, ये जितना मैं खड़ा हूँ ना, ये जो सहार स्टील है, आपको ये बताऊँ ना ये किसकी है, तो आप भी सुन के ना हैरान हो जाओगे। ये जो ये सामने ना, ये पल्ली साइड पे ना, उधर ये पल्ली साइड पे ना, वो पल्ली साइड पे मेरा फ़ोन ठीक नहीं है। इधर ना जिंदाल है, जिंदाल स्टील मिल इंडस्ट्री है जो इधर, ये जो है ना पाकिस्तान के होनहार लीडर नवाज शरीफ, ये उनकी है भाई। कभी तो पीछा छोड़ दे बंदा, जिधर जाए उधर ही। भाई मुझे बता रहे थे कि ये नवाज शरीफ है ना, जो नवाज शरीफ उसकी उसके शेयर है इसके अंदर, मतलब जाहिर सी बात बंदा ऑनर ही होता है ना। फिर मैंने कहा चले वीडियो बना देते हूँ। और ये देखे ना, काफ़ी अंदर इधर बनता है, क्या नाम है वो, स्टील बनता है, स्टील जो सरिया होता है ना, जिस तो साथ में जिंदाल है, जिंदाल ने ये ले लिया, ये सहार स्टील मिल। भाई पैसा पैसा चलता है इधर। मैं भी 2-3 दिन हो गए थे यार, दिल कर रहा था वीडियो बना, मैं चलो वीडियो बनाता हूँ। मैं आ रहा हूँ इधर 5-6 दिन हो, इधर काम करने आ रहा हूँ, तो दिल किया चलो वीडियो बनाते। यार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया करो, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है बंदे को। और ये जो ना इनके यूनिफॉर्म है, ये हेलमेट सेफ्टी, इधर ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, कहते हैं कि पहन के आओ, इसके बगैर नहीं आने देते। ये शूज़ ऐसे शूज़ हैं, सेफ्टी शूज़, ये हेलमेट, और ये वैसे हमारा जो काम है ना, हम जैसे किसी ने फ़ोन कर दिया भाई हमारी एक्सीवेटर थोड़ा सा मसला कर रही है, ऐसा है उसका मसला थोड़ा सा, वो ठीक कर देते हैं हम। बाकी ये तो अभी इधर आए हैं थोड़े दिन के लिए, 10 दिन का काम है इधर, 10-15 दिन का ना, ये हमारा थोड़ा सा काम है इधर, तो इसलिए मैं शायद थोड़ी सी वीडियो बना देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ इनका गराज भी, ये गराज है जिधर दूसरा एक्सीवेटर खड़ा हुआ है, ये गराज है, ये देखो काफ़ी मशीन, ये एक्सीवेटर नहीं, ये मुझे इनके अभी नाम भी नहीं आते क्या क्या नाम है, JCB क्या क्या, ये गराज है। इधर पैसा बहुत लगाता, इधर पैसा बहुत लगता है इधर, और आता भी ऐसे है जैसे पानी आता है। ये जो जिधर मैं काम कर रहा हूँ ना, ये आसपास सभी इंडस्ट्रियल एरिया है, इधर सहार जिंदाल काफ़ी हैं, और ये इधर का पास है, देखें टेम्परेरी पास सहार का है। ये जो सहार भी ना इनके पास चली गई जिंदाल के पास, मैं अभी जा रहा हूँ ना घर वापस अपने क्वार्टर पे, तो आपको रास्ते में दिखाता हूँ जिंदाल का है। और ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर के एरिया में ये सारी इंडस्ट्रियल एरिया सारा ही, इतनी इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं इधर। और हमारा काम ख़त्म हो गया, ऑयल का थोड़ा सा मसला आ गया, ऑयल इधर ना ख़त्म हो गया, तो वो कहते हैं कल आएगा, तो अभी हम जाने लग गए कल घर जाके, फिर
करते हैं वीडियो, आपको दिखाते हैं। यार अभी हम आ गए घर, तो जैसे आपको बताया कि जिधर हम गए थे वो थे यार शरीफ ख़ानदान की इंडस्ट्री, मतलब जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान में तो ऐसे मिल कहते हैं, मिल या यही कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं। तो अभी हम घर आए हैं और कुछ खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। और ये बिलाल भाई क्या कह रहे हैं, बिलाल भाई नहीं जी भाई, ये इधर प्रदेश में हमने क्या करना है, इधर ये माश की दाल तैयार कर रहे हैं हम। दाल माश? यस सही, बस दुआ करें आज फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं। सही किसी बजे हमारे नहीं भाई पसंद आ रहे हैं बिलाल भाई। और हमारा काम शुरू होने लगा आटे का, ये आटा है, अभी आपको बाद में मिलते हैं। ये हमारा काम था जो ये कर दिया कंप्लीट। ये बिलाल भाई बस हमारा भी तड़का रेडी है, अभी हम माश की दाल डालते हैं। ओह माय गॉड, इसके अंदर और इंशाल्लाह देखते हैं कैसे मंडी तैयार हो रही है। ये आप भी आए सीखने हमसे, ये बिलाल भाई से सीखे, बिलाल भाई से पहले प्याज डालने हैं काट के, ठीक है हंडी के अंदर दाल डालें ब्राउन करें, फिर उसके बाद प्याज टमाटर मसाले वगैरह आप डालें, तो फिर अच्छी तरह मसाले को भूनें, फिर उबली हुई माश की दाल ये है, फिर ये बाद में हम डालेंगे जब सही मसाला रेडी हो जाएगा। सही, तो फिर आपको हम आप भी आ जाइए है घर में, तो हम बहुत नखरे करते हैं यहाँ नहीं है हमारे प्रदेश में, खुद हर चीज़ बनानी पड़ती है। देखिए अभी हम दाल डाल रहे हैं, ठीक है माश की दाल, ये अफसर भी हमारे साथ काम करते हैं, ये भी अभी मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो ये शान भाई हमारी वीडियोस को भी देखें साथ हमसे सीखें, ठीक है लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, ठीक है और कमेंट में हमें बताइएगा, हम जब दाल माश तैयार होगी आपको बताएंगे, तो कमेंट पे आप हमें ज़रूर बताइएगा हमारी दाल की रेसिपी आपको पसंद आई नहीं आई, ठीक है। और यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत बहुत सलाम, ठीक है आपकी फैमिली को अल्लाह पाक अपनी गुमान में रखे, हम परदेशियों के लिए भी आप दुआ किया करें, तो अल्लाह पाक हमें भी हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करें। आमीन आमीन। अभी इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ठीक है तो इंशाल्लाह रेडी करके आपको हम तस्वीर भी भेजेंगे, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चले अभी रेडी करके आपको दिखाते हैं, अभी हम रोटी भी बनाएंगे। ये रोटी बना रहे हैं शान भाई कारीगर, ये जट साहब हैं जी, रोटी बहुत लेट बना रहे हैं, तवा बिल्कुल खाली है आप देख सकते हैं भाई सारे, भाई आस्था कर रहे थे, आस्था कर रहे थे इसे जल्दी करें काम, तो जट साहब काम गलत हो जाएगा, जट साहब बहुत बड़ी रोटी बना रहे हैं पर इनसे बन नहीं रही, सुराख कर रहे हैं इसमें। नहीं नहीं ये देखो जरा, ये देखें वाह, ये है कारीगर अपने आपको मानते हैं पर है नहीं ऐसा। अभी हम रोटी बनाई बना रहे हैं, देखें फिर हमने खानी है, शान भाई मैं शानी भाई खलाक भाई नईम भाई और हमारे मामू जान भी आपसे उनका तारफ करवाएंगे थोड़ी देर बाद। नहीं नहीं रोटी ये ये सालन बनाया अभी, खुशबू माशाल्लाह चले यार इधर करते हैं वीडियो एंड, लाल भाई बाय बाय करते हैं भाई को, ठीक है ये प्यारा ये किधर लाल भाई किधर भाई, अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है बहुत शुक्रिया आप लोगों को भी देखने का, फुल वीडियो।